हवा महल से निकलकर मैं श्रीटी पैलेस जा रहा हूँ। ये त्रिपोलिया गेट है। त्रिपोलिया गेट जो है केवल राजघराने के लोग इस्तेमाल करते हैं। तो मैं सिटी पैलेस के पास पहुंच गया हूँ और सिटी पैलेस के अंदर उदयपुर से होते हुए जा रहे हैं। मैंने अपना टिकट ले लिया है। यहाँ पर टिकट जो है 300 रुपए का है। सिटी पैलेस में एंट्रेंस के बाद जो बिल्डिंग सबसे पहले दिखाई देती है वो मुबारक महल है। इसको 1900 में लाला चिमन लाल ने बनाया था। इसको जो है म्यूजियम के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे कई सारे टेक्सटाइल की चीजें यहाँ पर हैं और राजा के कपड़े। सामने जो है राजेंद्र पोल है। और अब हम राजेंद्र पोल के भीतर से जा रहे हैं। ये जो है दीवारें खास हैं और इसका गुलाबी रंग बहुत खूबसूरत लग रहा है। सो दीवारें खास जो है वो पूरा गुलाबी रंग में है और जयपुर को गुलाबी स्तर के नाम से जाना जाता है। दीवाने खास को यहाँ पर सर्वत्र भद्र भी कहा जाता है, हॉल ऑफ स्पेशल ऑडियंस। सामने रिद्धि सिद्धि पोल है। रिद्धि सिद्धि पोल से होते हुए हम प्रीतम निवास चौक पर आ गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 दरवाजे हैं जिन पे खूबसूरत पेंटिंग्स बनी हुई हैं। इसमें से एक पिकॉक गेट, रोज गेट, लोटस गेट और गणेश गेट के तौर पे जाना जाता है। ये सारे जो दरवाजे हैं ये 4 ऋतुओं को रिप्रेजेंट करते हैं, 4 सीजन्स। और जैसे कि इंडिया में 6 सीजन माने जाते हैं तो हो सकता है यहाँ पर 6 दरवाजे रहे हों, अब सिर्फ 4 ही बचे हैं। और यहाँ पर पीछे की तरफ जो है वो चंद्रा महल है। चंद्रा महल सिटी पैलेस कॉम्प्लेक्स की सबसे पुरानी इमारतों में से एक है और ये जो है अभी रॉयल फैमिली के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इस एक्सेस के लिए स्पेशल टिकट लेनी होती है। और इसके फ्लोर्स के जो नाम है वो शुभ निवास, छवि निवास है। छवि निवास काफ़ी पॉपुलर है। इसमें और भी 3-4 फ्लोर और हैं। प्रीतम निवास कोर्ट यार्ड से हम बाहर आ गए हैं और फिर से दीवाने खास का एरिया देख रहे हैं। जयपुर जो है राजधानी 1727 के आसपास बना था, जब आमेर से राजधानी हवाई जयसिंह सेकंड ने शिफ्ट कर दी थी और उसी टाइम ये महल बना था। ईस्ट साइड में जो है मार्केट है और बग्घी खाना है। और अब यहाँ से हम जो है शवा निवास यानी दीवाने आम जाएंगे। तो मैं सभा निवास से बाहर निकल आया हूँ। सभा निवास का मतलब है दीवाने आम, जहाँ पे लोग मिलते थे राजा से अपनी समस्याएं लेकर। सभा निवास की जो रूफ है उस पे खूबसूरत पेंटिंग्स हैं, वहाँ फर्नीचर हैं और इंफॉर्मेशनल गैलरी है जो रॉयल फैमिली है उससे रिलेटेड। कुछ स्कल्पचर हैं, यूरोपियन स्कल्पचर भी हैं और
किंग्स दरबार के भी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं, तो वर्थ इट था अंदर जाना वहाँ पर भी। सभा निवास में फ़ोटोग्राफी प्रोहिबिटेड है, इसलिए वहाँ पे फ़ोटो या वीडियो कुछ भी नहीं ले सका। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्लॉक टावर, घंटाघर, ये यूरोपियन आर्किटेक्चर के इन्फ्लुएंस को यहाँ पर दिखाता है। मुबारक महल के पीछे की तरफ ये बिल्डिंग है, महाराजा सवाई भवन सिंह गैलरीज और फ्रेंड्स ऑफ द म्यूजियम, तो मैं इसमें जा रहा हूँ। सो मैं फ्रेंड्स ऑफ म्यूजियम से बाहर आ गया हूँ और वहाँ पे जो है बेसिकली शॉप्स हैं राजस्थानी पेंटिंग, इत्र, कपड़े और काफ़ी खूबसूरत ज्वेलरीज हैं। फ्रेंड्स ऑफ म्यूजियम के बगल में जो है पेंटिंग और फोटोग्राफी गैलरी है, यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत पेंटिंग्स हैं मुग़ल और राजस्थानी, जिनमें ख़ास लोगों और भी सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि भगवान और राजस्थान के जगह हैं, और 200 साल पुरानी करीब फ़ोटोज़ हैं जो वहाँ से शुरू होती हैं और मॉडर्न एरा तक ही हैं। तो मैं बाहर आ गया हूँ सिले खाना से यानी आर्ट्स गैलरी से। कुछ चीज़ें जो हैं वो मुझे आर्ट्स गैलरी में खासी अच्छी लगी, जैसे उसके छतों पर बनी पेंटिंग और जो तलवार और चाकू की जो मूठ है वो काफ़ी अच्छी लग रही थी, और जिस तरह से उन्होंने रिप्रेजेंट किया है वेपन्स को रखा है वो, और एक बड़ा सा घोड़ा है मार्बल का बना हुआ, ये इम्प्रेसिव था। और बाकी चीज़ें तो दूसरी जगहों से थोड़ी सिमिलर ही थी। आर्ट के एंट्री के पास जो है ये टेबल है, काफ़ी खूबसूरत लग रही है। सिटी पैलेस जो है वो मैंने पूरा एक्सप्लोर कर लिया है और अब मैं यहाँ से निकलकर जंतर मंतर जाऊँगा। जंतर मंतर भी पास में ही है, तो जो पिंक सिटी में 3 मेन मॉन्यूमेंट हैं आसपास ये हैं, सिटी पैलेस, जंतर मंतर और हवा महल। तो अब मैं सिटी पैलेस से बाहर आ गया, मेरे पीछे सिटी पैलेस है और दूसरी तरफ जंतर मंतर है, वहाँ जाऊँगा। सिटी पैलेस में रॉयल टूर्स भी होते हैं, रॉयल टूर्स जो है 1500 से 4000 पर पर्सन की रेंज में है, क्योंकि कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी है सिटी पैलेस में जिसको आप इन टूर्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है और अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में जंतर मंतर जयपुर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।